Following the alleged rape of a minor girl in South 24 Parganas, Union Minister and West Bengal BJP President Sukanta Majumdar has alleged that the police is trying to suppress a democratic agitation and said that this has brought democracy in the state to an end. He also said none of the protesters would have been there if the 10% of the police force would have tried to find the minor girl 2 days ago. देखिए पुलिस इस तरीके से लाठी चार्ज किया है और उसके साथ साथ आपने देखा हमारे महिला नेत्रियों के ऊपर भी जेंट्स पुलिस ने मेल पुलिस ने लाठी चार्ज किया धक्का मुक्की की। ये पूरी तरीके से मोलेस्टेशन का केस होता है। इस पुलिस को हम छोड़ेंगे नहीं। हम डेमोक्रेटिक वे से अपना आंदोलन कर रहे थे। देखिए पुलिस ने प्रोएक्टिवनेस दिखा के जिस तरीके का लाठी चार्ज किया पत्थर फेंके पुलिस पत्थर फेंक रही हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इंजर्ड है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुलिस के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता और न्याय दिला के रहेंगे। ममता बनर्जी को अपने रेनिक दत्ता इज जॉइनिंग अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी। रेनिक, प्रोटेस्ट कंटिन्यू ओवर द इंसिडेंट इन साउथ 24 परगनास। इनफैक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट हैज स्पोकन आउट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन दिस इंसिडेंट टारगेटिंग द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। एकदम ही देखिए जयनगर का कल का जो इंसिडेंट था उसको लेकर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। जो विलेजर्स हैं उनके तरफ से भी रैलियां निकले गए हैं और उसके साथ साथ ही जो कुलतली पुलिस स्टेशन जिस पुलिस स्टेशन के खिलाफ में विक्टिम का जो परिवार है परिवार की तरफ से एलिगेशन किया गया था कि पुलिस ने कंप्लेन लेने के लिए इनकार कर दिया था उस पुलिस स्टेशन के सामने ही उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन में आज बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकंत मजुमदार और उसके साथ साथ ही बीजेपी का जो और भी सीनियर मोस्ट लीडर अग्निमित्र पॉल फाल्गुनी पात्र ज्योतिमय सिंह महातो के जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर वो भी आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। कुलतली पुलिस स्टेशन को घेराव करने का जो प्लानिंग वो बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें सुकंत मजुमदार लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही जो विलेजर्स है वो विलेजर्स भी सपोर्ट करते हुए वो लोग कुलतली पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। मेन मकसद जो है ये प्रोटेस्ट का वो है ये कुलतली पुलिस स्टेशन का लापरवाही का सामने रखते हुए कुलतली पुलिस स्टेशन का जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको हटाना है और उसके साथ साथ ही इस एरिया का जयनगर पुलिस का जो पुलिस कमिश्नरेट का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ये डिमांड रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना का जांच सीबीआई को हैंडओवर किया जाए ये डिमांड भी बीजेपी की तरफ से रखा गया है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा इंसिडेंट को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक सुनवाई चल रहा है जो सुनवाई जो विक्टिम है विक्टिम का पिताजी की तरफ से जो अपील किया गया था उसको लिए है। दो अपील परिवार की तरफ से किया गया है विक्टिम का परिवार की तरफ से। पहला तो इसका जो ये जो विक्टिम का डेड बॉडी है डेड बॉडी का जो ऑटोप्सी वो सेंट्रल मॉनिटर्ड कोई हॉस्पिटल में होना चाहिए और उसके साथ साथ ही ये पूरा ऑटोप्सी के टाइम पर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये ऑटोप्सी होना चाहिए पोस्टमार्टम होना चाहिए ये डिमांड रखा गया है। ये डिमांड को रखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रहा है और इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन को भी कोलकाता पुलिस का ये पूरा जिम्मेदारी जो है वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए क्योंकि ये पूरा एलिगेशन जो है पूरा वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर है कुलतली पुलिस स्टेशन के ऊपर है। कुलतली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था कोई कंप्लेन दायर नहीं किया गया था। ये जो लापरवाही का घटना ये जो जब सामने आ रहा है तो उसी पुलिस स्टेशन की तरफ से किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है और इसी वजह से उन लोगों की तरफ से डिमांड किया जा रहा है पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है ये सीबीआई कोई सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.